वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही अपनी लाइफ के व्लॉग शेयर करती हूँ, और इसी की वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है ताकि मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँ, अपना यूट्यूब छोड़ दूँ। तो एक बात मैं कान में कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेरा रिलेशन में हो या नॉन रिलेशन में हो, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। मैंने बहुत मेहनत करी है, करके देखो, छोड़ के देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात बता दूँ, मेरे ऊपर एक फेक आईडी बनाई हुई है जिसका नाम मुझे पता चल गया है, तो इस वीडियो के मैं एंड में बता दूंगी। और जो मेरे ऊपर फेक आईडी बनी है ना, वो इतनी वाहियत औरत है, इतनी वाहियत औरत है, जो कि कल ही पता चल गया, इतनी मतलब कि इतनी गिरी हुई औरत है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। उस औरत के मुंह पर अगर मैं थूक भी आऊं, थूक ऐसे करके, तो उस औरत की कोई भी इज्जत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग फालतू होते हैं ना, कोई काम धाम नहीं होता, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करें, फ्री हो गए, अब क्या करें क्या करें, कुछ काम बचा नहीं, तो वो ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे यूट्यूबर हो या कोई जॉब करता हो या कोई भी हो, वो ऐसे काम नहीं करता, या फिर अच्छे माइंड वाला होगा या अच्छे संस्कार होंगे, क्योंकि इसमें संस्कार का बहुत ज़्यादा मेरे नज़र में है। क्योंकि अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मेरी फैमिली तुरंत डांटती है, तुरंत मना करती है, लेकिन पता नहीं इन लोगों के क्या प्रॉब्लम है, इनको कोई देखने वाला नहीं है, या फ्री कर दिए इनके माँ बाप ने, बेटा जाओ, छूट है तो मैं जो मर्जी हो वो करूँ। या फिर कुछ होता है ना, माँ बाप के बिगड़े औलाद जो होते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं, जैसे प्रियंका रेड्डी वाला केस हुआ था, या कई सारे केस हैं जिनको ये लगता है कि हम जो है वो कोई नहीं है। तो शायद तुम किसी भी एंगल से इतनी चीटी भर नहीं हो। ये सारे आज हेटर्स को रिप्लाई करेंगे बड़े बड़े यूट्यूबर, जैसे बीवी की माइंस में केस चल रहा है, तो मैं यहाँ साइबर क्राइम, यहाँ ये क्राइम या वो क्राइम तो भागने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा केस चल रहा है, ठीक है। डिप्रेशन वाला केस और मेंटली टॉर्चर वाला केस, उसमें मुझे सिर्फ आप लोगों के नाम देने हैं, जो कि 4-5 नाम मेरे पास हैं। बहुत दिन से मैं स्क्रीनशॉट लेके रख देती हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो में नहीं बोलती हूँ, आप लोग बोलते दीदी इग्नोर करो इग्नोर करो, लेकिन एक लिमिट तक इग्नोर किया जाता है ना, अनलिमिटेड तक नहीं किया जाता। फिर आकर ये बोलते हैं कि फिर आकर ये बोलेंगे आपके पास उसने हेटिंग कमेंट तो करा, लेकिन आप बहुत गंदा बोल रही हो, ऐसा करके बोलेंगे। तो एक बात बता दूँ, हमारी भी रेस्पेक्ट है, जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, मैं इज्जत देगा इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं देगा तो इज्जत नहीं मिलेगी। मैडम आप जैसा बोलोगी, आप जैसा बोल, कोई शर्म नाम की चीज़ होती ही नहीं है, शायद पता नहीं कैसे जानवर से भी ज़्यादा है। मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरे पास भी तीन चैनल चला रही हूँ मैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीन चैनल चला रही हूँ तो मैं भी ऐसे गंदे काम करूँ, नहीं। और एक और बात, वुमेन्स डे हम मनाते हैं, मदर्स डे हम मनाते हैं, सिस्टर डे मनाते हैं, ये डे वो डे ये डे, लेकिन जब हम औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा कहिए रोज डे मनाने से। देखिए, सबसे पहले गलत कमेंट करती हैं कई सारे, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि उर्मी तिवारी भी गलत कमेंट करती हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने ये काम करा है, क्योंकि एक इंसान बेशक वो गलत कमेंट करती है, बट ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लग रहा है कल दलजीत कौर करके उन्होंने बोला कि मैंने भी ये आईडी नहीं बनाई है, और ठीक है नहीं बनाई है, लेकिन क्योंकि उनका ऐसा रिएक्शन भी नहीं था कि उनसे पता चल जाए कि उन्होंने ये आईडी बनाई है। जिसने भी ये आईडी बनाई है ना, वो कुत्ते से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी होगी, और उसमें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े, क्योंकि जब किसी की कोई इंसान बददुआएं लेता ना, तो बहुत बुरी तरह पड़ती है। मैं तो कह रही भगवान करे उसको ऐसी हालत हो जाए ना, वो जिंदगी भर कभी किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे, उसकी फैमिली भी आगे चल के बोले मैंने किस बदतर इंसान को जन्म दिया है। और अब आकर वही हेटर्स बोलेंगे आप कितना गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हो, तो मैडम आपको बता दूँ पहले से ही, जो जैसा करेगा ना वो वैसा भरेगा भी।
लिमिट होती है ना सुनने की, मैं डेली इग्नोर कर देती हूँ। मैं कभी हेटर्स के कमेंट रखती हूँ, आप लोग बोलते होंगे दीदी हेटर्स के कमेंट आप हटा देती हो, कहते हैं मेरे से बहुत सारे लोग, लेकिन मैं नहीं रखना चाहती हूँ अपने 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 में गंदगी रखना ही नहीं चाहती हूँ मैं। तो मैं तुरंत हेटर्स के कमेंट डिलीट कर देती हूँ, फालतू की चीज़ों को रखना पसंद नहीं करती हूँ मैं। जो शूट करती हूँ और देखती हूँ मैं इस वाले से, तो इसमें स्क्रीन शॉट रहते हैं सबके, तो इसीलिए उसमें स्पेस नहीं रहता वीडियो वाले फ़ोन में, तो मैं उसमें इसलिए स्क्रीन शॉट नहीं लगाती हर चीज़ का। और फिर मैं सोचती हूँ क्या इनको फेमस करना, क्योंकि इन पर तो कोई काम धाम है ही नहीं, इन पर तो बस यही करना है आईडी बनानी है और यही करना है। तो 5 यूट्यूबर इस वीडियो में रिप्लाई करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। सबसे पहले रिप्लाई करेंगे बीवी के बाइंस, चलिए देखते हैं उनका कमेंट करते हैं ये सब। बहुत छोटे कम दिमाग विकसित वाले लोग होते हैं जिनका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ होता। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि ये ठीक दर्शाती है कि उस इंसान की अपब्रिंगिंग क्या है, उस इंसान के घर में क्या ऐसी बातें हो रही होती। देख लिया बीवी बाइंस का कमेंट मतलब वीडियो, अब बताती हूँ। अब रिप्लाई करेंगे रणवीर इलाहाबादिया, जो कि बहुत दिनों से बात कहना चाह रहे थे हेटर्स को, एक औरत हो के एक औरत का सम्मान करो, औरत हो या मर्द हो या कोई भी हो, फालतू के वाहियत कमेंट करने से अच्छा है कि करो ही मत। और एक और कमेंट आता, हाँ सबका नजरिया होता है, किसी को पसंद नहीं है वीडियो मत देखो ना, मतलब क्या है मत देखो, कोई जबरदस्ती आपको खींच के नहीं ला रहा ना, देखो भाई मेरी वीडियो देखो, तुम वीडियो नहीं देखोगे तो मेरे घर में रोटी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ तो कोई नहीं कर रहा ना, मत देखो। ये मेरे साथ ही नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ ऐसे इतने गंदे, ऐसे बदतमीज और वाहियात, और इनके लिए तो दो थप्पड़ चप्पल से मारना चाहिए। ऐसा यूट्यूब को एक फॉर्मूला बना देना चाहिए जो हेटर्स हैं कॉमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके आईडी प्लस वो कहाँ रहता है ये सब उसके कमेंट में दिख जाए। ऐसा हो गया ना जिस दिन, तो ये फालतू के कमेंट करने वाले, क्योंकि ये सोचते हैं पता कि कमेंट हम लोग पढ़ते नहीं हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो तो हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम इनको कमेंट करें और ये पढ़ें, तो इनको क्या होगा, क्या करते हैं फिर ये ऐसे काम करते हैं ना। अब भाई मैं तो कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ जो तुम ये सब करके क्या कर लोगे, फेमस नहीं हूँ मैं इतना कि मुझे बदनाम कर लोगे, है ना, तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ करने से। और मेरे को तो आप लोगों को पता नहीं कि मैं कितनी बुरी तरह फंस जाओगे तुम, ये सोचा है कभी तुमने, क्योंकि मैं ऑलरेडी केस चल रहा है, मुझे आदत है कोर्ट जाने की, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन जाने की, तो तुम क्या फ़ायदा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो और तुम्हारी फैमिली हो कहे कि तुझे शर्म नहीं है ये सब करने में, तो ऐसे काम मत करो। ये वाहियात हरकत जो तुमने करी है ना, अगर मिल जाओ ना तो चप्पल से मारूंगी तुम्हें, चप्पल से। तो चलिए आप देखते हैं रणवीर इलाहाबादिया की वीडियो, उन्होंने क्या बोला है। भाई क्या आप यही चीज अपनी बहन से कहोगे, अपनी मम्मी से कहोगे? This is how you talk to him. पता है आपके इन हेट कमेंट्स की वजह से ना केवल उस क्रिएटर को चोट नहीं पहुंचती। मान लो कि एक कोई लड़की उस कमेंट को पढ़ रही है, तो उस लड़की को भी कभी कभी लगता है कि यार क्या दुनिया ऐसी है, क्या लड़के ऐसे होते हैं। आपके मीन कमेंट्स की वजह से ना सारे लड़कों का नाम खराब हो जाता है, वो याद रखें। अपने अभी के फीमेल क्रिएटर्स है ना, उन्हें एनकरेजमेंट दीजिए, उनको एम्पावर कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। हाईली रिकमेंड कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाओ, क्योंकि जो भी आप दुनिया में फैलाओगे ना वही चीज लौट कर आपके लाइफ में आ जाएगी। तो प्लीज डोंट पुट हेट, एस्पेशियली इफ इट्स ऑन अ फीमेल क्रिएटर्स वीडियो। उन्होंने देख ली इनका बीर, इनका भी चैनल है, मैं आपको नीचे इन सबके चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये जा जिनका चैनल है फ्लाइंग बिस्ट। मैंने उन्हीं चैनल के इन लोगों ने जो हेटर्स के रूप में, उन्हीं चैनल को पिकअप करा है जो कि मतलब कि हमारे मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और वो अच्छी तरह से जवाब दे लेते हैं। अगर आप लोग इतने बड़े यूट्यूबर्स की रेस्पेक्ट नहीं करते, तो मेरे नज़र में आप अपनी मम्मी पापा की भी रेस्पेक्ट नहीं करते होंगे। अगर आप लोग इतने बड़े यूट्यूबर की रेस्पेक्ट नहीं करते, इतने फेमस लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करते, अगर आप लोग इतने सारा समझाने के बाद भी रेस्पेक्ट नहीं करते, मेरी नज़र में फिर आप अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि आप लोग भी अपनी फैमिली से पूछते होंगे तू क्या बोलते हैं, अपने जो वर्ड तुम मेरे लिए यूज़ करते हो वो तुम अपनी फैमिली के लिए भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ बात आती है रेस्पेक्ट की। तो रेस्पेक्ट अगर आप बाहर वालों को नहीं दे सकते तो घर वालों को तो बिल्कुल छोड़ ही दो। तो चलिए हम देख लेते हैं गौरव तनेजा भैया का
कॉमेंट क्लियरली शोज कि उस बंदे को कोई मतलब नहीं है फीडबैक देने से, वो बस एक फीमेल को नीचा दिखाना चाहता है। पता नहीं क्यों पर्सनल हो जाते हैं हम, उनके कपड़ों के बारे में कमेंट करते हैं, हम उनके संस्कार के बारे में कमेंट करते हैं, हम उनके माता पिता के बारे में कमेंट करते हैं कि यही सिखाया। आई डोंट नो व्हाई वी गेट सो पर्सनल और क्यों लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश। लेट्स मेक इंटरनेट अ मोर पॉजिटिव स्पेस, लेट्स मेक आर फैमिली आर कम्युनिटी मोर पॉजिटिव। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट देखो, अगर आपको फीडबैक देना है इट डजंट मीन कि आप किसी की बेइज्जती करेंगे, यू कैन ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन अ वेरी वेरी। तो देख लिया आप लोगों ने कि उन्होंने कैसा रिप्लाई करा है। फोर्थ नंबर कैरी मिनाती, जिनका नाम है अजय नागर, अब उनकी वीडियो हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेरी फेक आईडी बनाई है वो मोनिका राय ने बनाई है। क्यों मुझे पता है, क्योंकि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था अपने सब्सक्राइबर को अपडेट करने के लिए कि कोई भी इंसान ऐसे फंसे ना, क्योंकि मैं कभी किसी पर रिक्वेस्ट नहीं भेजती हूँ कभी किसी पर। और इन्होंने फेक आईडी बनाने के बाद मेरे सारे फ्रेंडों पर रिक्वेस्ट सेंड करी, और इतना महान मेरे को ही रिक्वेस्ट सेंड करी इन्होंने, बंदा ने जो भी है, मोनिका राय के ही काम है। क्योंकि इनको मैंने ना अपनी वीडियो में बहुत बार समझाया था विद स्क्रीनशॉट, लेकिन इनके समझ में नहीं आया। ये इतनी बिगड़ी हुई लड़की है, इतनी बिगड़ी हुई लड़की है, ना तो इज्जत है इसकी, ना तो कुछ है इसका। और तो मेरे जो सब्सक्राइबर है मुंबई गर्ल हेमा जैन, उन्होंने बोला हरामखोर लोग हैं, शांति से जीने नहीं देते। सबसे पहले इनके कमेंट पर 8 लाइक है, तो दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपने अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करा। जो अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करता है उसको तो मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, देन उसको मैं दुआएं भी देती हूँ। जो गलत काम को, कोई भी इंसान अगर गलत काम को सपोर्ट करता है तो मैं तो उसको कभी सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो मेरी खुद की फैमिली हो चाहे वो कोई और हो। आप लोगों को पता है अगर मेरे घर में भी कोई गलत काम करता है मैं उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो तुरंत मोनिका राय बोली है आकर कि कोई हरामखोर नहीं है, और इतना वीला ना इतना बड़ी स्टार नहीं है फेक आईडी बनाने की, कितनी प्रॉब्लम हुई है ना इसी से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मुंबई गर्ल हेमा जैन, मैं आपसे बोलूँगी कोई इंसान इतना पागल है क्या जो अपनी ही रेपुटेशन डाउन करने के लिए फेक आईडी बनाएगा, मतलब इतनी मेहनत कर रहा है। तो आप लोग आप खुद सोचिए, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 3 चैनल को कवर करती हूँ, अकेले वीडियो शूट करना एडिट करना कितना टाइम लगता है आपको पता है। एक मिनट, तो जो फिर इन्होंने बोला है कि तो आप ही आप तो मोनिका क्या, मैं सबसे बोलूंगी कोई इतना पागल है जो अपनी फेक आईडी बनाएगा हेटिंग रिंग, मुझे दो बेटी है मैं वो पढ़ रही हूँ, हेटिंग रिंगल जैन के नाम से बनाएगा कोई आईडी और अपने ही सब्सक्राइबरों को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और एक्चुअली में मुझे तो अभी रुक जाओ मैं बात कर रही हूँ, और एक्चुअली में मैं आपको बताऊँ मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे लिए फेक आईडी बनी हुई है। मेरे पास कुसुम बुद्धा की कॉल आई, एक्चुअली में उस टाइम मेरा व्हाट्सअप भी बंद था, व्हाट्सअप का जो डाटा था वो बंद था, व्हाट्सअप पर ही मेरे स्क्रीनशॉट आ गए थे बाकायदा। लेकिन मैंने क्या करा कि मेरे को नहीं पता था, तो कुसुम बुद्धा की मेरे पास कॉल आई, उन्होंने कहा दीदी आपने क्या न्यू आईडी बनाई है। मैंने क्या, पहले तो मैंने कहा नहीं, फिर उनसे मेरी कम से कम आधे घंटे बात हुई थी, तो मैंने कहा नहीं तो कि आपकी ऐसे रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने डाटा ऑन करा तो स्क्रीनशॉट जिन्होंने भी भेजी कॉल आई मेरे पास, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मेरे को तो पता भी नहीं था। तो मैं तो आपसे बोलूँगी जो भी है, अगर ये मोनिका राय है तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है कि आप तो बहुत बुरी तरह फंसने वाली हो, तो अगर नहीं है तो इसको जो आईडी है वो हटा दे। क्योंकि कहते हैं ना, एक उन्होंने तो आईडी बनाई लेकिन तुमने ये फालतू के कमेंट करके ये प्रूफ दिला दिया कि तुम ही हो। मेरा बेकार इन्होंने लिखा है BIGAR, बेकार होता है वैसे, बेकार हो तुम मेरा घंटा नहीं पाओगी समझी, मतलब इन्हें कहते ना बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है वो है ये, कि तुम मेरा घंटा नहीं बिगाड़ पाओगे, ये तो सोशल मीडिया है, कंप्लेन की धमकी दूसरों को देना समझी, एक चोर दूसरे चोर को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है। मतलब इंसान मेरे पे वीडियो मेरी आईडी बना रहा है, मुझे मिर्ची ना लगे तो तुझे एक बात बता दूं, मोनिका भोनिका सोनिका जो भी तेरा नाम है रियल, फालतू के तूने ऐसी डीपी लगा रखी है, तुम नहीं बिगाड़ मिर्ची लग रही है क्या, बेवकूफ वाहियात औरत है क्या तू,
कितनी बदतमीज औरत है तू, मतलब कि मेरे नाम पे कोई आईडी बनाएगा और मुझे मिर्चीने लगेगी। तेरे अंदर ये बुद्धि है या नहीं है? जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती वो पॉटी खाता है। तो मेरे अंदर से तुम पॉटी वोटी तो नहीं खाती हो क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और मिर्ची तुम्हें लगी है इसका मतलब तुमने आईडी बनाई है, मुझे नहीं लगी। मेरे ऊपर आईडी बनाई है भैया, मैं तो अवेयर करूंगी, मैं तो अवेयर करूंगी भाई अपने सब्सक्राइबरों को। मेरे इतनी प्यारे सब्सक्राइबर है, इतनी प्यारी फैमिली है, उनको तो मैं अवेयर करूंगी, ठीक है। और ये कंप्लेन भी, और तो मैं कितनी बुरी तरह पिटने वाली हूँ इसका तो मैं अंदाजा नहीं। जो भी है, अगर मुझे तो तुम ही लगी, क्योंकि तुम्हें मिर्ची लगी है, तुझे मतलब तो मैं नहीं, सॉरी, मैं इज्जत दे जाती हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है इज्जत देने की। और मैं तू तड़ाक से बात नहीं करती हूँ किसी से भी, हेटर से भी नहीं करती, लेकिन इसने जो बात करी है ना इसी से मैं रिप्लाई करूंगी। हमारे यूपी लैंग्वेज में, हमारे साइड में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर ये बोला जाता है कि यदि जिसमें दिमाग नहीं होता तो वो गोबर खाता है, मतलब काओ की पोटी या इंसानों की पोटी खाता है। तो मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, ठीक है। और अगर तुमने ऐसी नहीं हरकत, वाहियात हरकत नहीं करी होती ना तो तुम कमेंट नहीं करती। और कल तो पॉजिटिव कमेंट करती, तुम ये बोलती कि दी जिसने भी ये काम करा है वो बहुत ही गलत करा है। अगर नेगेटिव कमेंट करना एक अलग बात है, लेकिन ये इस तरह से काम करना गलत बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने ही ये बात करी है इसलिए तुझे मिर्ची लगी। और ये क्योंकि फालतू के काम मेरे पे या किसी पर तो नहीं है, तेरे ऐसी औरतों पे फालतू के टाइम है। तू तो औरत ही अम्मा लगती है, ठीक है। और मेरे से बोल रही है जाहिल गवार भैया, समझी मैं को जाहिल वल्ली वैली और ना तुमके, तुम कोई कैटरीना कैफ हो, कैफी कैफ की स्पेलिंग तो मैडम सही लिख लो। सानिया मिर्जा ना तुम श्रुति अर्जुन, तुम्हारे पास फेक आईडी बनाऊंगी। तभी तो मैं बोल रही हूँ मैं ना तो कैटरीना कैफ हूँ, ना ऐश्वर्या राय हूँ, ना प्रीति जिंटा हूँ, ना माधुरी दीक्षित हूँ। तो भी तो तुम मेरे पास कमेंट करती हो डेली फालतू की आकर। ना तो कोई सर है ना तो कोई पैर है। समझना पड़ेगा कि जो फीमेल क्रिएटर्स हैं वो बाकी लड़कियों को भी इंस्पायर करती हैं इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और नॉर्मली भी इंस्पायर करती है, लाइफ में इंस्पायर करती है। तो अगर वो ये सब सुनेंगी, वो ये सब देखेंगी तो वो डिस्करेज होंगी, वो डर जाएंगी। चाहे वो तुम्हारी कोई बहन हो या फिर कोई दोस्त भी हो, अगर नॉट जस्ट क्रिएटर्स यार, नॉर्मली भी अगर तुम्हारी कोई भी फीमेल फ्रेंड है या फिर बहन है जो कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ के साथ, तो उसको सपोर्ट करो यार। देखो बहुत आसान है लोगों को गिराना, मुश्किल है उठाना, तो प्लीज उनको उठाओ। तो आप लोगों ने देख लिया कैरी मिनाती जी, मतलब अजय नागर भैया ने क्या बोला है हेटर्स के लिए। खुद जा वीडियो बना और उसे इंटरनेट पे डाल, तब तेरे को पता चलेगा कि कोई भी वीडियो बनाने के लिए कितना एफर्ट्स लगता है। वीडियो डालती है तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो कि कुछ भी मीन कमेंट करते हो, तो फिर उसको कितना डीमोटिवेट होता होगा, जस्ट सोचो। और शायद वो कल इंटरनेट पे वीडियो डालना, फीमेल क्रिएटर्स को पुश करो, उनको एनकरेज करो टू मेक मोर वीडियोस, उनको सपोर्ट करो। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा इससे कि कितना लोग परेशान करते हैं किसी लड़की को। और मुझे तो शर्म इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक औरत होकर तुम लोग नहीं समझ सकते। तुम्हारा औरत होना बेकार है। अगर तुम औरत होके औरत का सपोर्ट नहीं कर सकती तो शायद तुम्हारा औरत होना तुम्हें ना भगवान ने जन्म देकर ही, भगवान अपने आप को कोसता होगा कि मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को क्यों जन्म। इंटरनेट पे मर्दों को लगता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कहाँ मेरा कमेंट पड़ेंगी, मैं लिख देता हूँ ऊट पटांग चीजें लिख देता हूँ, वो तो पढ़ेंगी नहीं। बट उनको ये नहीं पता कि इंसान अगर नहीं भी पढ़ती तो बाकी कोई लड़की तो पढ़ रही है, दूसरी लड़की तो कोई पढ़ने वाली होगी, वो उसको कैसा फील होगा। तो थोड़ा एम्पैथी कम है। रेजोल्यूशन फॉर एवरीवन हु कमेंट्स लाइक दिस कि गर्ल्स को, औरतों को जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी अगर कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश कर रही है या कुछ भी काम करने की कोशिश कर रही है, तो प्लीज़ ऐसे ऊटपटांग कमेंट करके उनका मोरल मत डाउन कीजिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि वो नहीं पढ़ रहे बट सब लोग पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ ये थोड़ा रेजोल्यूशन बनाओ कि आज के बाद ऐसे ऊटपटांग कमेंट स्पेशली लड़कियों के फोटोज पे या वीडियोस पे उनके काम के ऊपर। भगवान ने जन्म देकर ही भगवान अपने आप को कोसता होगा कि मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को क्यों जन्म दे दिया जो कि एक औरत की दुश्मन बनी हुई है। सबसे पहले एक बात बोलूंगी, ये जो हेटर्स के लिए उन्होंने वीडियोस बनाई है मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये औरत होकर भद्दी औरतें बनी हुई है। मैं चाहूँ तो मोनिका राय की फोटोज हैं मेरे पास फोटो आ चुकी है मोनिका राय की। तो ये मत सोचो ये वाहियत हरकत तुम कर सकती हो, ये काम हम लोगों को भी, हम लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं ये काम करना।
लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम ये फालतू के काम करती हो, तो आपके फोटो मेरे पास बड़ी वाली आ चुकी है। चाहूँ तो मैं इस वीडियो में लगाकर आपको बदनाम कर सकती हूँ या सोशल मीडिया पर मैं आपको वायरल कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। ना मुझे ये सिखाया गया है कि एक औरत होकर औरत की दुश्मन बनूँ, ना मुझे ये सिखाया गया है कि ये गलत काम मैं करूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये काम करने से पहले अगर आपने कराया मोनिका भोनिका सोनिका जो भी तेरा नाम है, तो इज्जत देगी तो इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं देगी तो तेरे जैसे औरतों पर थूकती हूँ मैं ऐसे ऐसे मुंह पर। मुझे बस पुलिस वालों को पकड़ के ले आन दो किसने करी ये हरकत। चप्पल से नहीं मारा तो मैं भी मेरा नाम आप लोग भूल जाइएगा उस, और वीडियो अगर उन लोगों ने बनाने दी ना तो वो वीडियो बनाकर भी नेट पर डालूंगी चप्पल से मारते हुए, क्योंकि तो ये लोग है ना इसी लायक होते हैं। और पता है वो मेरे पे कमेंट करके क्या बोल रहा था, जिसने भी आईडी बनाई है बोल रहा था बंदा कि क्या बोल रहा था, हाँ ये बोल रहा था कि औकात दिखाने दे। तू भैया क्या मुझे औकात दिखाएगा, क्या औकात तू मुझे दिखाएगा? तू क्या मुझे रोटी खिला रहा है? तू मेरी बेटी की फीस भर रहा है, भर रही है? तू कोई भी है, क्या कर रहा है तू जो कि मतलब कि मुझे औकात दिखाएगा? भाई तू मुझे औकात मत दिखा, पहले अपनी औकात देख ले। ऐसा नहीं हो तेरे मुंह पर जब चप्पल पड़े है ना तो तेरी जो चार जितने भी तेरे फुट का थोबड़ा है ना वो चप्पल ही चप्पल सा नजर आने वाला है। और तेरे माँ बाप भी सोचेंगे मैंने कब तुझे नौ महीने गर्भ में रखा, क्यों रखा? उन्हें भी शर्म आएगी तेरे ऐसे औलाद पर। चलिए लास्ट वीडियो देख लेते हैं, उसी के बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगी। करो चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उनको कॉन्फिडेंट बनाओ, उनको हेल्प करो, ना कि हेट कमेंट्स फैलाओ गाइस, तभी चेंज आएगा। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही ताकि मेरे को हेट कमेंट्स ना आए, मैं इसके लिए बना रही हूँ ताकि जो भी लड़की जो ऑनलाइन है उसको हेट कमेंट्स ना मिले फॉर नो रीजन जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल। सो गाइस आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट इन दिस। Please share this video with as many people as you can, with all your friends, with all your family. क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये video देखेंगे उतना ज्यादा support हम लड़कियों को कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ऊपर आए, कुछ बड़ा करके दिखाए, और ताकि वो लड़कियां दूसरी लड़कियों को inspire कर सकती है। Guys, because when you see her, you can be her. Please, it's a humble request, इस video को share कर देना। And you guys are awesome. Happy Women's Day, guys! अच्छी लगी हो और ऐसे, और ये जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये रिप्लाई करा है, सच में मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो इतना। मैं पता है ज्यादातर नेगेटिव कमेंट्स को रिमूव कर देती हूँ, बहस नहीं करती, हटा देती हूँ, लेकिन ये लोग इतने घिरे हुए हैं या ना फालतू है। इनके मम्मी पापा को अगर मुझे मिल जाए ना तो इनके मम्मी पापा से पूछूं, आंटी जी अंकल जी ये बच्चे किस तरह से आपने मतलब दुनिया में लाए हैं, किस तरीके से। तो मैं बस यही बोलूंगी आप लोगों से, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।